हिंद फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए स्पेशली जो आपका 2019 और 18 में जो पेपर्स हुए हैं उसका यहाँ पे एक एग्ज़ाम का और शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश और रागा के क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ रिव्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रिव्यू आपका आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था जिसमें आपने यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, यानी जो फर्स्ट मैंने 2018 की जो शिफ्ट थी उसका यहाँ पे मैंने रिव्यू दिया था, तो फ्रेंड्स आप सभी ने वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, वीडियो को शेयर भी आपने किया है। तो फ्रेंड्स इस पर भी यदि आप अच्छा अपना रिस्पॉन्स देते हो तो मैं यहाँ पे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम तक, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस ओरिजिनल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो उनसे आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और ओरिजिनल कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में होते हैं, लेवल का भी यहाँ पर आपको पता लगेगा। तो फ्रेंड्स जो आज की हमारी शिफ्ट है ये 22 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, 22 सितंबर 2019, यहाँ पे 2019 का है, 22 सितंबर 2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था इसके बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इंग्लिश और रागा के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां पे इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में, सनोम से क्वेश्चन था ब्रिज, ब्रिज का आपको यहां पे सनोम बताना था। तो फ्रेंड्स ब्रिज का जो सनोम होगा वो देखिए, ब्रिज होता है दरार, दरार होता है ब्रिज। तो यदि इसके सनोम की बात करें तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक, ब्रेक भी हो जाएगा इसका सनोम। तो इस प्रकार से कुछ आपको ऑप्शंस दी गई थी एग्ज़ाम में। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस को यहाँ पे करेक्टली लिख पाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि जो ऑप्शंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन्हीं ऑप्शंस को यहाँ पर लाया जाए आपके सामने। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ब्रेक वहाँ पर दिया गया था, ब्रेक ऑप्शन में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिज का। यहाँ पर कॉन्जॉइन होता है यहाँ पर शामिल करना, जोड़ना, तो ये इसका एंटोन हो जाएगा। गैप होता है अंतर, एलिनेट होता है अलग करना। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन था आपका ईडीएम से, ईडीएम से क्वेश्चन पूछा गया था क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू। तो फ्रेंड्स क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू, ये आपका ईडीएम पूछा गया था और इसी ईडीएम का यहाँ पर अर्थ होता है यानी झूठी सहानुभूति दर्शाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाल्स सिंपैथी। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे रागा के सेक्शन में क्वेश्चन था, जीके का क्वेश्चन था, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स प्रथम महिला मुख्यमंत्री और आपके जो जितनी भी प्रथम महिला के क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने मिसलेनियस के पार्ट सेकंड में करवाए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पार्ट जो सेकंड दिया था मिसलेनियस का उसमें मैंने ये सभी क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप इन सभी को ज़रूर कीजिए। महिला से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है वो उससे बाहर नहीं जाने वाला है, जो भी मैंने मिसलेनियस की प्ले लिस्ट बना रखी है मिसलेनियस का क्वेश्चन उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री है वो थी आपकी सुचेता कृपलानी, और ये कहाँ पे थी, यूपी की, यूपी की आपकी थी सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है यहीं से कि प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी। तो फ्रेंड्स राज्यपाल की यदि बात करें तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं आपके एयरफोर्स एग्जाम में। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे करंट से क्वेश्चन था कि नेवी के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो फ्रेंड्स उस समय भी जो आपके प्रमुख थे नेवी के जो एडमिरल थे वो थे करमवीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। करमवीर सिंह थे आपके 2019 में भी, उस समय जो 22 सितंबर एग्ज़ाम हुआ था करमवीर सिंह आपके नेवी के चीफ थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपके जनरल बिपिन रावत हैं वो क्या है, प्रथम CDS है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है मनोज मुकुंद नरवणे जो क्या है आपके आर्मी के चीफ हैं, और कौन से नंबर के हैं, ये हैं 28वें नंबर के आर्मी चीफ हैं। उसके बाद हैं करमवीर सिंह कौन से नंबर के हैं, ये हैं 24वें नंबर के, और यदि बात करें राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो कि आपकी एयरफोर्स चीफ है वो 26वें नंबर के यहाँ पे एयरफोर्स चीफ है। तो 24, 26 और 28 इस सीरीज से आप इसे याद रखिए, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी।
तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लास्ट वीडियो में जिस प्रकार से आपने यहाँ पे सपोर्ट किया है उसी प्रकार से इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पे वीडियोज में लाने वाला हूँ। तो एक आपका यहाँ पे वन वर्ड पूछा गया था, वन वर्ड था आपका वन हु हेट्स वुमन। वन हु हेट्स वुमन यानी महिलाओं से नफरत करने वाला व्यक्ति, तो वो हो जाएगा आपका मिसोजिनिस्ट, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो मिसोजिनिस्ट हो जाएगा वन हु हेट्स वुमन। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिस्टिंगाइज। डिस्टिंगाइज का आपको यहाँ पे एंटोम बताना था। तो फ्रेंड्स डिस्टिंगाइज जो होता है इसका एक मतलब तो यहाँ पे अलग करना भी होता है, और एक यहाँ पे इसका ख्याति प्राप्त करना भी यानी विशेषता फेमस होना भी इसका अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो आपका दिया गया था एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर था वो था नोटोरियस। नोटोरियस हो जाएगा कुख्यात। तो नोटोरियस कुख्यात और डिस्टिंगाइज यानी प्रसिद्ध विख्यात यहाँ पे हो जाएगा। तो डिस्टिंगाइज अलग करना भी होता है और यहाँ पे प्रसिद्ध फेमस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फेमस प्रसिद्ध निम्बल यानी फुर्तीला और स्टूपिड यानी बेवकूफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स पांच क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पैसेज से थे। जी हाँ फ्रेंड्स इंग्लिश में आपका पैसेज था, फाइव क्वेश्चंस यहाँ पे पैसेज में से थे, और फाइव में से एक क्वेश्चन था उसमें आपको यहाँ पे स्नोम पूछा गया था। जी हाँ फ्रेंड्स पैसेज से भी आपको यहाँ पे एंटोम और स्नोम पूछता है। मैक्सिमम शिफ्ट जो होते हैं उनमें यहाँ पे पैसेज से एक स्नोम या एंटोम जरूर यहाँ पे पूछता है। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन था आपका कीन। कीन का स्नोम बताना था। कीन क्या होता है। कीन होता है तीव्र, तीव्र होता है कीन। तो इसकी यदि स्नोम की बात करिए तो वो हो जाएगा एजाइल, ऑप्शन नंबर डी। इसका भी मतलब होता है फुर्तीला तीव्र। तो एजाइल हो जाएगा इसका स्नोम। ऑप्शन नंबर ई में दिया है डुल यानी बेवकूफ। ऑप्शन नंबर बी में है स्टूपिड, वो भी इसका स्नोम हो जाएगा इंडिफरेंट उदासीन। तो फिर देखते हैं और क्या क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना था। जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे वॉइस से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था आपका यहाँ पे स्नोम पैसिव बताना था आपको। दे वर लाफिंग एट द जोकर यानी वे जोकर पे हंस रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको जब वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पे दी गई है यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पैसिव में क्या हो जाएगा। पैसिव में हो जाएगा आपका वॉज के साथ यहाँ पे बींग हो जाएगा। तो वॉज बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पे दी गई है। तो द जोकर वॉज बींग लाफ्ड एट बाई देम, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे यूएसबी की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो फ्रेंड्स एक सभी क्वेश्चंस ओरिजिनल हैं, और यदि आपने एग्जाम दिया था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चंस ओरिजिनल है या नहीं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी, भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबीयत ख़राब है तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई क्वेश्चन नंबर था आपका 11, इसमें वो था यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। तो यूएसबी क्या होता है। यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे बताया था कि जो हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री है यानी जो आधुनिक इतिहास है वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वहीं से बनने की होती है। तो उसी शिफ्ट में भी जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था 2018 वाला उसमें भी यहाँ पे पूछा गया था, और इसमें भी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। यदि बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे लॉर्ड राजगोपालाचारी। तो इन दोनों में आप अंतर कर लीजिए, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो अंग्रेज थे और जो राजगोपालाचारी थे वो इंडियन थे, तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में दिया है लॉर्ड क्लाइव, ये कि ये बंगाल के क्या थे प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आप इन सभी को याद रखिए, हो सकता है इस बार भी आपके चैप्टर में इनमें से कोई सा पूछ ले। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे
शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो शांति काल में जो वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा था। तो फिर जो शांति का वीर पुरस्कार होता है वो होता है आपका अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, अशोक चक्र होता है। तो परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र ये युद्ध के दौरान बहादुरी दिखाने के लिए दिए जाते हैं, जबकि जो अशोक चक्र है वो शांति में भी यहाँ पे दिया जाता है वीरता का पुरस्कार। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे करंट से, तो करंट से क्वेश्चन क्या था कि 17वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में हुए। तो फ्रेंड जो यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय, तो उससे भी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था करंट का। तो ये देखिए इसके जो चुनाव हुए थे वो 7 चरणों में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख लीजिए कि हिस्ट्री से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ज्योग्राफी से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और कंप्यूटर और यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आप उसी प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पे आपके नज़दीक है। तो आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फालतू की जो भी कंटेंट है उस पर ध्यान न देखिए, जो आपका यहाँ पे नीच कंटेंट है उसी पे ध्यान दीजिए जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम में आने वाला है। तो एशिया को यूरोप से अलग करता है, फ्रेंड्स जो एशिया को यूरोप से अलग करता है वो यूराल पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यूराल पर्वत दिया गया था एग्ज़ाम में ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी रीजनिंग की बात करें तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन था। और यदि बात करें फिगर वाले क्वेश्चंस की तो 4 से 5 यहाँ पे आपके फिगर वाले क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और था आपका यहाँ पे वन वर्ड से क्वेश्चन था कि वन हु कैन स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेज, यानी जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है उसे आप क्या कहोगे। तो वो होता है आपका यहाँ पे पॉलीग्लॉट। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, पॉलीग्लॉट होता है वन हु कैन स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेज। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है वो क्या होता है, वो होता है कि वन हु स्पीक्स फॉरेन लैंग्वेजेज, यानी जो विदेशी भाषाएं बोल सकता है वो होता है आपका लिंग्विस्ट। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पे दोनों को मैं लेके आया हूँ और आपको यहाँ पे बताया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका करेक्टली स्पेलिंग से, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन था, और यहाँ पे भाई ऑप्शन भी 5 हो गए हैं। तो कोई नहीं, आप बताइए कि यहाँ पे करेक्ट जो स्पेलिंग है इनएडवर्टेंट होता है अनजाने में, यानी अनजाने में बिना समझ के। तो इनएडवर्टेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपकी INADVERTENT। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, इनएडवर्टेंट। तो ये करेक्ट आंसर है, देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका पूछा गया था एंटर के साथ प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स एंटर के साथ आप सभी जानते हो कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं होती है जब आप अंदर या बाहर जाने की बात करते हो। लेकिन जब आप एंटर यानी जब किसी ट्रेड में एंटर करने की बात करते हो, किसी समझौते में बात करते हो एंटर करने की, तो इसके साथ तब यहाँ पे एंटर के साथ इंटो का यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पे 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में इंग्लिश और रागम में पूछे गए थे। तो भाई यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ साथ एक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से मोटिवेट होते हुए आपके लिए मैं और भी शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे ला सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।